जैसा कि मुझे डॉक्टर विलियम्स ने कहा था मैंने वैसा ही किया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको साउथ और हिंदी की टॉप 16 क्राइम थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। हमारी इस वीडियो सीरीज में बताई गई फिल्मों में या तो किसी टीनेज लड़की के साथ ब्रूसोली तरीके से रेप हो जाता है या फिर उसका मर्डर। साथ ही वीडियो में बताई गई सभी फिल्में आपको यूट्यूब और MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। ये सारी की सारी फिल्में हिंदी में अवेलेबल है। ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जो आपको हिंदी में ना मिले। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे काउंटडाउन के नंबर वन पर एक मूवी नहीं बल्कि एक सीरीज आती है जिसका नाम है इश्क इंदौरी। ये एक रोमांटिक ब्लैक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने सीरीज को 80% लाइक किया। गाइज बात करें सीरीज की स्टोरी लाइन के बारे में तो सीरीज में कुणाल को 10th क्लास में तारा से प्यार हो जाता है और फाइनली 12th क्लास में जाकर वो दोनों मिल जाते हैं। लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए कुणाल को मुंबई जाना पड़ता है। उसके वापस आने पर उसे पता चलता है कि तारा किसी और से सेट हो चुकी है, जिसके बाद कुणाल की लाइफ में काफ़ी सारे टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं जिनके बारे में जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज काफ़ी वॉयलेंट है जिसमें आपको टीनेज में होने वाले इश्क प्यार और धोखा जैसी चीज़ें देखने को मिल जाएगी और साथ ही ये भी जानने को मिल जाएगा कि प्यार में इंसान क्या से क्या बन जाता है। सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। हमारे काउंटडाउन के नंबर टू पर आती है इल्लम अवल सेयल, जिसे हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है इंसाफ की टक्कर, और ये 2008 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली। वहीं गूगल यूजर्स ने मूवी को 83% लाइक किया। गाइज बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो कहानी में मेडिकल कॉलेज की एक मासूम लड़की का ब्रूचुअली तरीके से मर्डर हो जाता है और उस मर्डर में उसी कॉलेज की 3 अमीर लड़कियों की गैंग सस्पेक्ट बन जाती है, जिसके बाद एक वकील अपराधी पक्ष का बचाव करता दिखाई देता है। लेकिन अपने पक्ष के बचाव के दौरान उसे काफ़ी सारे टर्न एंड ट्विस्ट का सामना करना पड़ता है, जिनके बारे में जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी होगी। मूवी काफ़ी अच्छी है जिसमें आपको टीनेज क्राइम थ्रिल सब कुछ देखने को मिलेगा। फिल्म यूट्यूब पर ही अवेलेबल है जिसे आप जब चाहो जैसे चाहो कैसे भी देख सकते हो। नंबर 3 पर आती है शैतान मूवी, और ये 2011 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 67% लाइक किया। गाइज बात करें फिल्म के प्लॉट के बारे में तो कहानी में अमृता एक टीनेज लड़की है जो कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती करती है जिनकी डेली एक्टिविटीज़ में सेक्स, ड्रग और शराब जैसी चीज़ें शामिल है। एक दिन वो सभी दोस्त एक हिट एंड रन मामले में फंस जाते हैं और अपने आप को इस झंझट से बचाने के लिए वो सभी एक पुलिस कांस्टेबल को रिश्वत देते हैं। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन उनके हाथ से फिसलती हुई महसूस होती है। अब दोस्तों अमृता अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर किस प्रकार से निकालेगी और आगे कहानी में क्या क्या टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। अगर आपको टीनेज थ्रिलर फिल्में देखने का शौक है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको काफ़ी पसंद आएगी। हमारे काउंटडाउन के नंबर 4 पर आती है कठपुतली मूवी, और ये 2022 की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। गाइज बात करें फिल्म के प्लॉट के बारे में तो कहानी में एक सीरियल किलर होता है जो शहर में जवान लड़कियों को अपना निशाना बनाता है और कोई भी मर्डर करने के बाद उनकी डेड बॉडीज को ऐसी जगहों पर फेंकता है जहां से पूरा शहर उस मर्डर के बारे में जान सके, जिसके बाद अक्षय कुमार यानी कि एक सब इंस्पेक्टर उस सीरियल किलर को ट्रैक करने की कोशिश करता है। अब दोस्तों क्या वो सब इंस्पेक्टर उस सीरियल किलर को ट्रैक कर पाएगा और किस प्रकार से वो उस तक पहुँचेगा जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। ये फिल्म आपको कठपुतली नाम से OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। काउंटडाउन के नंबर 5 पर आती है रहस्य मूवी, और ये 2015 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 81% लाइक किया। गाइज बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो कहानी में एक टीनेज लड़की आयशा का मर्डर हो जाता है और मर्डर के आरोप में उसके ही पिता डॉक्टर महाजन फंस जाते हैं क्योंकि सारे सबूत उन्हीं के खिलाफ होते हैं, जिसके बाद CBI ऑफिसर पास्कर एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जो उन्हें एक अलग ही सच की तरफ ले जाती है। अब दोस्तों आयशा का मर्डर किसने किया और क्या वो CBI ऑफिसर असली मर्डरर का पता लगा पाने में कामयाब होगा जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। और ये एक रियल इंसिडेंट बेस्ड फिल्म है जो 2008 के नोएडा डबल मर्डर केस से इंस्पायर है। अब मैं जो आपको नेक्स्ट फिल्म बताने वाला हूँ वो भी इसी मर्डर केस से इंस्पायर है। काउंटडाउन के नंबर 6 पर आती है तलवार मूवी, और ये 2015 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है
जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 82% लाइक किया। गाइज बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो कहानी में श्रुति नाम की एक टीनेज लड़की का मर्डर हो जाता है और उसके मर्डर का आरोप उसी के माता पिता पर लग जाता है और मर्डर का आरोप लगने के कारण उन्हें जेल भेज दिया जाता है, जिसके बाद एक CDI अधिकारी इस केस से मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और इस दौरान उसके सामने मामले से जुड़ी सच्चाई एक्सपोज होती है। अब दोस्तों, श्रुति का मर्डर किसने किया और वो CDI अधिकारी उन आरोपियों तक कैसे पहुंचेगा, जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म एक रियल घटना पर आधारित है जो आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। अब दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई साउथ और बॉलीवुड की ये 6 टीन क्राइम थ्रिलर मूवीज पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो साउथ की टॉप एडल्ट मूवीज के ऊपर होगा, तो अगर आप साउथ की उन एडल्ट मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी मूवी जो आप देखना चाहते हो नहीं मिल रही है तो हमें कमेंट में बता दो, हम आपको मूवी प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।